नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए अभी कट ऑफ जारी कर दिया गया है पीटी का, और आप सभी ने देख भी लिया होगा 62.96, मतलब कि लगभग 63 नंबर जनरल, चाहे ओबीसी चाहे AWS, और ऐसे ही उससे थोड़े कम, लेकिन महिलाओं के थोड़े ज़्यादा, हालांकि वो ज़्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। ये बात सभी को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के एक्सेप्ट भी करेंगे। जो भी ऐसी महिलाएं हैं, गर्ल्स में हैं, जिनके नंबर कहीं ना कहीं 54 नंबर से ऊपर आ रहे थे, ऐसा हो सकता है 54 का 64 कर दिया गया है, वो लोग एक बार चेक कर लो स्टेटस में आपका एलिजिबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। वहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, हालांकि गर्ल्स का नीचे ही गया है, वो मिसप्रिंट हुआ है। हालांकि जैसा कि हम लोग पूरी चर्चा किए थे कि कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी अगर 15x20x बुलाए, लेकिन 15x20x ना बुला के 30x बुलाए हैं, तो ये भी आप समझ लो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चे बुलाने के बाद भी जो आपका कट ऑफ आया है वो 62 के स्कोर पे आया है, मतलब परसेंटाइल पे 86-87, और अगर केवल 15x20 एग्जैक्ट होता तो 92-93% जाता, 90% प्लस जाता, इसमें कोई दो राय नहीं थी। खैर, कट ऑफ की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कट ऑफ जारी होने के बाद क्या करें। दो तरह के लोग हैं, एक जो क्वालिफाई है लेखपाल के लिए, एक वो जो क्वालिफाई नहीं है, और दोनों के लिए तमाम चुनौतियां हैं। तो एक समग्र रूप से रणनीति किसके लिए, लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो तैयारी कर रहे हैं बट इस वाली ये वाली परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन भी होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने भी वाली है और आगे भी मिलती रहेगी। तो लेखपाल परीक्षा में अगर देखा जाए तो 30x बच्चे बुलाए गए हैं, लगभग 2,40,000 बच्चे बुलाए गए हैं, 8,000 पद हैं, और आप सभी लोग, किसी से छुपा नहीं है ये बात, कह रहे हैं वो 15x लेकिन है लगभग 30x, और एक सीट के लिए 30 लोग फाइट करेंगे, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी हाई कट ऑफ जाने वाली है मेंस की। अगर प्रीलिम्स की 88% जा रही, परसेंटाइल जा रही है, परसेंट की बात नहीं करेंगे, परसेंटेज तो 62 ही है ना, तो बहुत ज़्यादा हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 88% अगर आपका यहाँ पे जा रहा है तो मेंस में कोई भी लड़का किसी से कम नहीं है। एक बात बहुत दिमाग में रखिएगा कि अगर जो टॉपर 92-93 नंबर पा रहा है ना, उसके बाद जो एवरेज बच्चे हैं वो 86-87 पा रहे हैं, और यहाँ पे अगर लोवेस्ट एवरेज बच्चा देखा जाए तो 64-65 पा रहा है, तो 64-65 में 86-87 में ज़्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से 18-20 नंबर का फर्क है, और ये 18-20 नंबर का फर्क कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि जो 64-65 नंबर पाने वाला है वो जाके मेंस परीक्षा में टॉप भी मार सकता है, अगर उसकी रणनीति बहुत अच्छी रही, अगर उसके पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा रहा, लास्ट टाइम में उसका टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त रही तो कर सकता है। तो ऐसी पूरी रणनीति एकदम 45 दिन की कि कैसे अगर आपको लेखपाल की परीक्षा देनी है तो, और ये वाला लेखपाल नहीं, अगर आपको अगली पीईटी और उसके बाद लेखपाल देना है तो उसके समग्र रूप से हम लोग कैसे बढ़ेंगे। हालांकि यही इस लेखपाल की बात करें तो ये ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ ये ट्रेंड एनालिसिस है, जो पिछले बार पूछा गया था सिलेबस के बारे में, सभी लोग वाकिफ हो, 45 दिन बचे हैं अभी सिलेबस पर डिस्कशन करें, तो इसका मतलब आपका भी समय बर्बाद करूँगा और मेरा तो समय बर्बाद ही होगा, क्योंकि ये समय सिलेबस डिस्कशन का नहीं है, स्ट्रेटेजी और रणनीति का है, कैसे हम प्रैक्टिस करें, कौन से टेस्ट लगाएं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें, क्या ज़्यादा उपयोगी है। हालांकि इस परीक्षा में, लेखपाल के मुख्य परीक्षा में, मैं आपको बोलूंगा कि विषय सारे उपयोगी हैं और कुछ ऐसे विषय, ये पूरा आपका जो चार पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें किसमें डिवाइडेड है, आपका एक मैथ्स है, सभी 25-25 आएंगे, ऐसे ही आपका हिंदी है, और उसके बाद आपका ग्रामीण परिवेश है, ठीक है, और ग्रामीण परिवेश के बाद आपका जीएस वाला पोर्शन है, ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा। इन दो पोर्शन में दो पोर्शन कॉमन है, एक यूपी और एक क्या है करंट, कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से भी कुछ करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, और यूपी इन दोनों में समग्र रूप से पूछा जाएगा। तो हमारी रणनीति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। सर्वप्रथम आप ये हमसे पूछते हो सिर्फ कितना स्कोर कर लिया जाए कि हम सेफ रहे। तो एक बात समझना कि अगर केवल 8,000 पद हैं, 2,40,000 बच्चे बैठेंगे, 3.33% केवल सक्सेस रेट होगा, मतलब एक सीट पे के लिए 30 बच्चे लड़ रहे हैं, तो एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर पेपर मॉडरेट लेवल का भी रहा तो बहुत अच्छा कट ऑफ जाने वाला है, 80% के अबाउट ही कट ऑफ जाएगा, ये बात आप समझिएगा। और अगर 80% के कट ऑफ जाएगा, मतलब 100 में 80 नंबर लाना, और 100 में 80 नंबर लाना लिटरली चैलेंजिंग है, ये बात समझिएगा, तो आप
फोकस नंबर देख के मत करो, आप फोकस अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस करने का प्रयास करो। लेकिन अगर आप मुझसे कोई ये पूछो मिनिमम कितना लाएं, तो मैं ये जरूर बोलूंगा भैया कि 80 प्लस ही लेके आओ, 80 के ऊपर आप जितना ले आओ वो आपका है। लेकिन अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हो तो आपको 80 से ज्यादा प्रश्न सही करके आने हैं, और आप जितने लोग मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्टेड हुए हो वो कोई भी किसी से कम नहीं हो, ये बात समझते हुए चलना। आप में वो प्रतिभा है, आप में वो बात है, तभी आज आप मुख्य परीक्षा दे रहे हो। 17 लाख लोगों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर अगर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो केवल 2.5 लाख हुए हैं, तो आप उनको पीछे करके आए हो, आप यकीनन बहुत ज्यादा प्रतिभावान हो, अपने आप को पहचानो। तो ये हमारा कैसे 80 प्लस लाना है, जिसमें से कुछ पार्ट स्कोरिंग होता है, जैसे मैथ में आप मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हो, आप चाहे जीएस बैकग्राउंड के हो, आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हो। अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो 25 में से 24 नंबर मिनिमम लाना है, और अगर आप जीएस बैकग्राउंड के हो तो कम से कम 21 नंबर या 20 नंबर लेके आना है आउट ऑफ 25, ये समझते हुए चलना। तो अगर इतना स्कोर करोगे, और ठीक है, हिंदी आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के हो, आप चाहे जीएस बैकग्राउंड के हो, 24 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 25 सही ही करना है किसी भी कीमत पे, और बहुत आसानी से सही भी हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपके बताऊंगा आगे चल के, कैसे आपकी तैयारी करनी है, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। ग्रामीण परिवेश में ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा विषय है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन यकीनन इसमें सबसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ग्रामीण परिवेश में कोई मैक्सिमम अगर 23 नंबर पाएगा तो मिनिमम 17 नंबर भी पाएगा, 17 क्वेश्चन भी सही करेगा। मतलब एक टॉपर और एक बिलो, सबसे जो लीस्ट बंदा पाएगा, जो सबसे टॉपर पाएगा, उसमें 5-6-7 क्वेश्चन का ही फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो कॉम्पिटिशन के रूप में ग्रामीण परिवेश आप में ज़्यादा अंतर नहीं बिठाएगा, और लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, सबसे ज़्यादा समय ग्रामीण परिवेश को ही दे रहे हो। कोई चैनल आपके MCQ चला रहा है तो आप MCQ देख ले रहे हो, कोई चैनल आपको कोई नोट्स दे रहा है, PDF देख रहा है, तमाम 15 पब्लिकेशन ऑथेंटिक है नहीं है, क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, कोई इग्नू का मटेरियल छाप दिया है, कोई किसी किताब का मटेरियल छाप दिया है, कोई PCS का मेंस का कोई टॉपिक उसमें छाप दिया है, आप उसे देखने नहीं जा रहे हो। जो आपको मिल रहा है कूड़ा करकट सब आप पढ़ते चले जा रहे हो, और आप अगर पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे इस विषय में दे रहे हो, जबकि ये भूल जा रहे हो कि गणित, हिंदी और GS भी उतने ही उपयोगी हैं। 100 प्रश्न में हर प्रश्न अपनी औकात लेके चल रहा है, 1 प्रश्न पॉजिटिव का लेके चल रहा है, 1 मार्क्स और 1.4 यानी 0.25 निगेटिव का लेके चल रहा है। तो सारे प्रश्नों की औकात बराबर है, सारे प्रश्नों की वैल्यू बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। तो किसी एक को बहुत ज्यादा इज्जत देना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, अपनी रणनीति में ये बात फोकस कर लेना। इसलिए सबको बराबर समय देते चलो, हाँ ये बात अलग है, जो विषय आपका कमजोर है शुरू के समय में उसको ज़्यादा समय दो। कैसे देना मैं आपको टाइम टेबल पूरा डिस्कस करूंगा, लेकिन एक चीज़ समझना, ग्रामीण परिवेश में UP वाला पार्ट है, अगर पिछले तरीके से आया और नहीं भी आएगा तो भी पूछा ही जाएगा। ग्रामीण परिवेश में UP आएगा ही आएगा, 6-7 क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन करंट से होगा, मतलब ग्रामीण परिवेश के 8 से 10 क्वेश्चन UP और करंट मिला के होंगे। तो मतलब ग्रामीण केवल 15 क्वेश्चन रहने वाला है, और इन 15 क्वेश्चन में भी क्या होगा मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कहीं योजनाएं होगा तो कहीं सुधार होगा, वो भी सुधार से होगा, कहीं हिस्ट्री से उठाएगा तो कहीं करंट से उठाएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे प्रश्न बनेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझाते हुए चलूंगा। तो ग्रामीण परिवेश में ये जो आपके 10 UP और GS वाले हैं, ये कॉमन बच्चे, यही मैं कह रहा हूं, इतना तो हर बच्चा करके आएगा। जो 15 हो रहा है कि आप जनरल गो थ्रू ऑप्शन लगा के, अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के, अपना ज्ञान जो आपने अर्जित किया है उसके भी हाथ पे, जो पढ़ा है उसके भी हाथ पे, कहीं ना कहीं उस 15 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन सभी लोग करने में मिनिमम सक्षम हो जाओगे। जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो ज़्यादा स्कोर कर लेगा, और जो बेकार मेहनत करेगा वो थोड़ा कम स्कोर करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अनसर्टेन विषय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसमें 24 या 25 कर पाएगा, लेकिन फिर भी 20+ बहुत आराम से किया जा सकता है आउट ऑफ 25, क्योंकि 10 क्वेश्चन केवल आपका UP और करंट मिला के होने वाला है, 9 से 10 क्वेश्चन, और बाकी के 10 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो, ये समझिएगा। बाकी GS है, बहुत वास्ट है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसमें कुछ क्वेश्चन UP के तो होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है टोटल 25 ही क्वेश्चन है, हर विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर विषय अपने आप में व्यापक है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल सिलेबस पढ़ना है,
अभी आपने जितना समय बर्बाद करना था बर्बाद कर लिए, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है आपको वही पढ़ना है। अब सिलेबस में बहुत डिस्क्लोज करके भी नहीं दिया है, लेकिन कुछ चीजें समझो, अगर वो हिस्ट्री पूछ रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछ रहा है, वहां पे एंशियंट और मिडिवल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मिडिवल पे फोकस करना है तो आपको क्या फोकस करना है, जो आपकी डायनेस्टीज रही है, जो लड़ाइयां हुई है, जो शासक रहे हैं, प्रथम जो शासक रहे हैं, इनको ज्यादा पढ़ना है। मॉडर्न में भी आपको लड़ाइयां तो मान लो 1800 साल की क्रांति है ही है ना, उसके बाद जो अंग्रेज आए उनके जो क्रोनोलॉजिकल डेट हैं उन्हें तो करना ही करना है, लेकिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जहां पे ये समाज होते हैं, ये पत्र होते हैं, इनका कौन इस पत्र को निकाला, इस समाज की कौन फाउंडर रहा है ना, गांधी जी से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं, चाहे नॉन कोऑपरेशन हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, ये सब आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और 1857 की क्रांति और उससे संबंधित सारी चीजें तो जरूरी है ही है। और एक बात समझिएगा, जीएस में आपके कूट वाले प्रश्न, मैचिंग वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी व्यापक रूप से मिलेंगे, क्योंकि ये अधीनस्थ है। जब पीटी में पूछा था तो इतिहास में कूट मैचिंग के प्रश्न और स्टेटमेंट के प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा ही पूछे जाने हैं, ये समझिएगा। तो मैं अभी जीएस की भी आपको स्टडी समझाता हूँ, लेकिन जीएस में भी आप कम से कम 20 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ विषय आपके जैसे केवल मॉडर्न पढ़ लोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लोगे, पॉलिटी 101 अनुच्छेद, मतलब अगर 52 तक केवल अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके बाद आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और ये सब मनी बिल अमेंडमेंट, ये सब अमेंडमेंट हो गया, और ज्वाइंट सेशन, इतने मेन चीज पढ़ लेते हो तो भी आपका पॉलिटी में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाओगे। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही आपका एनवायरमेंट से 1 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पार्ट है, लेकिन कहीं 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है फिजिक्स, हो सकता है केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को ना मिले, अनसर्टेनिटी है। तो कहीं ना कहीं जीएस में अनसर्टेनिटी है, और इस कारण से आप इसे भी बहुत सोच समझ के समय अंतिम 45 दिनों में देते चलो, ठीक है। अभी आप इसको जोड़ा जाए तो 20-20-40 और 24-24-48, यानी कि आपके 88 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से हो सकते हैं, और इन 88 में भी अगर आप कुछ गलत भी होता है तो भी आपको 80 प्लस आराम से स्कोर करना है, ये आपकी मिनिमम का स्कोरिंग रणनीति होना चाहिए। इससे कम अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, ला रहे हो एग्जाम में, तो थोड़ा सा अपने आप से अपने आप को समझा लेना कि बेटा आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर इससे कम आएगा तो हो सकता है कि आपके जो फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि अब ना इंटरव्यू होना है ना कुछ होना है, बस आप एग्जाम दोगे सेलेक्ट होगे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो एक ही चरण बचा है, मुख्य परीक्षा है, अपने आप को समझाते हुए चलना कि भैया करो या मरो की स्थिति है, और कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, यहाँ पे केवल आप खुद में अपने आप से कर सकते हो। अंतिम 45 दिनों में किताबों का चयन, बहुत नई किताबें मत पढ़ो, जो पढ़ते आए हो, जो नोट्स पढ़ते हो, किसी भी संस्था से जुड़े हो, मैं नहीं कह रहा हूं आप परीक्षा प्लस से ही जुड़े हो, आप जिस भी संस्था से जुड़े हो आप उसी नोट्स को रिकमेंड करो, आप उसी चीज को बार बार पढ़ो। टेस्ट आप 1 नहीं 2-3 संस्था के लगाओ, लेकिन अगर किसी संस्था से कमजोर हो जाते हैं तो डिमोरलाइज मत हो, वहां पे आपको जरूरी है, क्योंकि जितना डाइवर्सिटी होगी, जितनी वैरायटीज आपके पास होंगे टेस्ट के, उतने ही ज्यादा आपका स्कोर और अच्छा इनहेंस होता चला जाएगा। तो टेस्ट आप टेस्ट बुक से भी लगाओ, परीक्षा प्लस से भी लगाओ, और भी जो आपकी जानी मानी कोचिंग है जहां से आप तैयारी कर रहे हो वहां से भी टेस्ट आप लगाते चलो। तो ये आप एक छोटी समग्र रूप से मैं आपको बता दिया हूँ, थोड़ा सा मैं इसे ओपन करके ये बताऊंगा कि ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जैसे ये हिंदी का है, इतने सारे टॉपिक हैं, ये Shift 1 Shift 2 में पिछली बार पूछा था, 2022 एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 2 पार्ट बनेगा हिंदी में, एक वोकैब्स पार्ट बनेगा और एक आपका ग्रामर पार्ट बनेगा। वोकैब्स पार्ट में कौन सा पार्ट होता है, जैसे विलोम हो गया, मुहावरा हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, है ना, ये आपका तत्सम तद्भव हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये वोकैबुलरी वेस्ट होते हैं, और इन्हें अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो केवल पर्यायवाची और विलोम रटने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी सब कुछ रटने में आसान होता है। और अगर आप केवल वोकैबुलरी देखोगे तो 25 में करीबन 11-12 आपकी वोकैबुलरी पूछा जाएगा, मतलब शब्द विशेष से प्रश्न बनेगा, और 11-12 और ऐसे ही 12-13 आपके प्रश्न ग्रामर से पूछेंगे, जिसमें रस अलंकार है ना, यहाँ पे रिक्त स्थान, संधि, समास, शुद्ध वाक्य, वर्तनी, ये सारे जो आपके हैं ये आपके बनेंगे। और इसमें भी ये भी कहीं 10-10 क्वेश्चन ही बनेगा, बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगभग आपका अपठित गद्यांश भी बनेगा, 3 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, ये बात आप समझते हुए चलिएगा। तो हिंदी में आप इसे स्कोर कर सकते हो, इसमें 24 में 24 लाना है, दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ते चलो। अगर हम देखें दूसरे पार्ट को, तो ये हमारा
सबसे ज्यादा मैथ्स का विषय है, और मैथ्स में मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय कौन सा आपका है, स्कोरिंग सब्जेक्ट नंबर सिस्टम है। उसके बाद आपके स्टेटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से बहुत ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाने हैं, और उसके बाद आपका एलजेब्रा, इस पोर्शन को आप सबसे ज्यादा पढ़ो, उसके बाद आप मेंसुरेशन पढ़ो, और उसके बाद आप अरिथमेटिक पढ़ो। अरिथमेटिक इसके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि आप उसे पढ़ो ही मत। आप क्रम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 6 से 7, यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरिथमेटिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6 3 18 18 और 4 22, और अब इसमें देखें तो मैक्सिमम ये 25 आपका हो जाएगा, टोटल 25 क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, बाकी आपका एक DI वाला भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, 25 आपका कंप्लीट कर देगा। तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। मैंने आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से पूरे क्लास में पढ़ाया है, इसका प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपको करवाना 5 मई के बाद, 5 तो हो ही गई है, लेकिन 1-2 दिन में कल या परसों से आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपका होगा, ठीक है ना। ये आपका देख लेना PDF, मैं आपको इतना बता दिया हूँ, इतने क्वेश्चन आपके आएंगे। तीसरा विषय है GS है, ये सबसे ज्यादा वेस्ट है ना, इसका रेंज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपका टाइम भी यही किल करेगा। क्यों? क्योंकि अब पता लगे आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो इतिहास में 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, और तीनों असीमित हैं, क्या पढ़ो क्या छोड़ो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है भैया, कि आपको जैसे ही आप हिस्ट्री उठाते हो, तो हिस्ट्री में आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा, है ना, और इस 5 से 6 क्वेश्चन में कम 3 क्वेश्चन मॉडर्न का पूछेगा, 2 क्वेश्चन आपका मिडिवल से पूछेगा, या 1 क्वेश्चन मिडिवल से पूछ लेगा, और 1 क्वेश्चन आप एंशियंट से पूछ लेगा अगर बराबर बराबर पूछता है। तो आपके लिए मॉडर्न सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ डालो, और कहाँ से पढ़ो, 3 क्रम में उसे तोड़ो। एक तो आपको 1600 लेके 1857 तक तोड़ो, 1857 से लेके गांधी जी के आगमन तक तोड़ो, 1915 तक, और 1915 से लेके 1948, 3 क्रम में तोड़ो, और इसमें 1857 के इर्द गिर्द वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका 1915 से लेके 1940 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अगर मॉडर्न में पढ़ते हो तो कहां से 1857 के इर्द गिर्द से लेके 1885 तक, यहां पे ये थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा पहले, इससे थोड़ा सा बाद में पढ़ना है आपको, और इसमें भी केवल 57 के बाद ज्यादा नहीं, मेन तो इसी पे फोकस करना है, बाकी आपका 1885, और उसके बाद फिर आपका 1915 से लेके यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1915 से लेके आपको 1940 तक, ये बहुत अच्छे से तैयार करना है मॉडर्न में। इसमें 2 चीज मिसलिनियस है, 1905 और 1600 के दरमियान, इन दोनों की चीजों भी आप क्रोनोलॉजी में अच्छे से, सारी चीजें जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो आप अच्छे से पढ़ते हुए चलो, और बहुत ज्यादा वायसराय वगैरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, PCS की परीक्षा नहीं है, आपसे सिंपल लड़ाइयां कब हुई है ना, कौन प्रथम आया, कौन बाद में आया, इसका फाउंडर कौन रहा है, ये समाचार पत्र किसने जारी किया, किस भाषा में जारी किया, किसको ये बोला गया, कौन किसके ये हुआ, तो स्टेटमेंट और कूट के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मेडिवल वगैरह में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतिहास में मेडिवल में केवल आप केवल क्या पढ़ो, डायनेस्टी पढ़ो, उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है, लास्ट शासक कौन रहा है, और इसके बाद कोई लड़ाइयां, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको, बैटल पढ़ना है मेडिवल में, लड़ाइयों के किसके किसके बीच में हुआ, और तिथि क्या, मतलब ईयर क्या था, है ना, बैटल आप पढ़ो, और बैटल के बाद आप डायनेस्टी के फाउंडर, अगर आप केवल इतना पढ़ के चले जाते हो तो यकीन मानो कि आपका मेडिवल का क्वेश्चन सही हो जाएगा अंतिम समय में, बहुत ज्यादा भूमि सुधार और इन सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रैयतवाड़ी और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप PCS की परीक्षा देने नहीं जा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, ये फैक्ट बेस्ड पूछेगा और उसी फैक्ट बेस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछेगा, NCERT बेस्ड पूछेगा, ये बात समझिएगा। तो ये चीज आपके लिए मेडिवल में इंपॉर्टेंट है, और एंशियंट में केवल आप क्या पढ़ लो, थोड़ा बहुत सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत जैन इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपका मौर्य समाज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मौर्य डायनेस्टी और मौर्य और गुप्ता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपका एंशियंट में भी नहीं पूछेगा, अपने आप को समझते हुए चलना। ऐसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो भैया आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग और अनुसूची, मतलब अगर आप आर्टिकल की बात करो तो आर्टिकल 1 से लेकर 52 तक तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी आपका प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद आपका ज्वाइंट सेशन हो गया, उसके बाद आपका मनी बिल हो गया, ये सब आपके थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही पूछे जाते हैं और फिर से यहीं से पूछे जाएंगे, मतलब 1 से 52 तक रटे होने चाहिए और उसके बाद भी 100 तक आपको रटे होने चाहिए, और इसके अतिरिक्त सारे भाग में क्या क्या है, अनुसूची में क्या क्या है, और जो आपके अमेंडमेंट रहे हैं वो आप देखते चलो, खासकर 42वां अमेंडमेंट, ये सब बहुत ज्यादा
पूछता है 1992-91 के दरमियान, और भाषा वाला जो जोड़ता है वो बहुत पूछता है। तो पॉलिटिकली इतना बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। आप केवल इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी में भी पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल मतलब उसकी स्टेट बाउंड्री, ISTS कहां से पार हो रही है, रेखा कितने राज्यों से पार हो रही है, ये सब पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पूछेगा तो केवल और केवल मिनरल्स से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। बाकी आपका नदी तंत्र है तो वहां से अगर कोर्ट में पूछेगा तो डैम से पूछेगा, बाकी रिवर्स आपका पढ़ना जरूरी है। ये सब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ो, वर्ल्ड में पढ़ना है तो केवल आप जल संधियां पढ़ लो, पठार पढ़ लो, पर्वत पढ़ लो, और इसके अलावा कुछ मत पढ़ो तो भी आपका वर्ल्ड कवर हो जाएगा। इतना समझना वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एनवायरमेंट में एक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है वो भी ना पूछे। इकोनॉमिक्स में आपकी पारंपरिक इकोनॉमिक्स उतना नहीं पूछेगा, और अगर पूछता है तो वो बजट से संबंधित ज्यादा चीजें पूछेगा जो करंट से रिलेटेड है, और बाकी अगर कुछ पूछेगा तो हो सकता है बैंकिंग टर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, बाकी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, और ये आपको सबसे बेहतर तरीके से तैयार करना है। कहाँ से तैयार करना है, घटना सार आप ले आओ, घटना सार का अर्धवार्षिकांक होता है उसे ले लो, या घटना चक्र का क्या होता है वार्षिकांक आता है आप उसे अच्छे से पढ़ लो। बच्चे पूछते हैं कब से कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं अक्टूबर से लेके आपका जून में परीक्षा है, तो मई के बाद ऑफलाइन परीक्षा है, 20 मई के बाद कोई भी खबर उसके में नहीं पूछी जाएगी। तो आप 1 अक्टूबर से लेके 20 मई तक, 1 अक्टूबर 21 से लेके मई 20 मई 2022 तक सारी खबरें पढ़ डालो, वन लाइनर में पढ़ डालो, चाहे घटना चक्र से चाहे घटना साल से। घटना साल से आपको 2 अंक खरीदने पड़ेंगे अर्धवार्षिकांक के, घटना चक्र से 1 ही खरीदना पड़ेगा, वहां से आपका कवर हो जाएगा। इतना मोर देन सफिशियंट है, बहुत ज्यादा करंट पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और इसी को आप एक बार नहीं, आप दिन में 1 घंटा कहीं करंट देखते हो, 1.5 घंटा कहीं देखते हो, न्यूज़पेपर कहीं पढ़ते हो, PDF कहीं पढ़ते हो, वो सब कुछ छोड़ दो, केवल ये 2 मैगजीन ले आओ, और 45 दिन में कम से कम 5 बार ये दोनों मैगजीन पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन आपका करंट का गलत नहीं होगा, ये बात समझना। 5 किताबें पढ़ने से अच्छी है 1 किताब बार बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, वही चीज जो घटना चक्र में लिखा होगा वही घटना सार में लिखा होगा, क्योंकि वो PIB से उठाए हैं, और PIB और AIR और इन्हीं से सब लोग छापते हैं, सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई वहां पे आपको बूटी नहीं दे देगा। तो सबसे अच्छा बात है कि रिलेवेंट सोर्स है, गलती नहीं होती है, आप यहीं से पढ़ो, और एग्जाम पेपर भी इन्हीं किताबों से ऑथेंटिक सोर्स से बनते हैं, क्रॉनिकल वगैरह हो गया, कहीं अलग से नहीं बनते, ये भी समझते हुए चलना है ना, तुच्छे मुच्छे वेबसाइट से नहीं बनते हैं। तो करंट में आपका ये है, करंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। साइंस में 3 पार्ट है, लेकिन आपको बायो में सबसे ज्यादा फोकस करना है, बायो के बाद फिजिक्स में फोकस करना है, केमिस्ट्री में सबसे कम फोकस करना है, ज्योग्राफी आपको बता दिया, स्टैटिक GK भी आप अच्छे से पढ़ते चलना, और करंट से रिलेटेड पूछेगा, उत्तर प्रदेश विशेष तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये ऐसे आपके 25 में से 20 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। चौथा विषय जो है वो ग्रामीण परिवेश का है, और मैंने इसमें आपको बता ही दिया, इसे 2 पार्ट में आप तो 3 पार्ट में तोड़ो। एक आप योजनाएं है ना, योजनाएं अच्छे से तैयार करो, योजनाएं आपका करंट का भी हो जाएगा, करंट से भी रिलेटेड हो जाएगा, जो पूर्व की योजनाएं रही हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ते चलो, जो आपका और इतना ही पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें तैयार भी हैं, और ये करंट का स्टैटिक डेटा है, कुछ है नहीं अलग से, ठीक है। तो योजनाएं अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप सुधार अच्छे से पढ़ लो, सुधार में जैसे ग्रामीण विकास और भूमि सुधार ये वगैरह हो गया है ना, और तीसरा आप इसे तोड़ो यूपी स्पेशल में। तो ये 3 चीज़ मिलकर आपका ग्रामीण परिवेश बनता है। यूपी पढ़ लेते हो तो आपका 30% कवर हो जाता है, उसके बाद आप योजनाएं पढ़ लेते हो तो आपका 70% कवर हो जाता है, 75%, और बाकी 25% में आपका सुधार आएगा, ठीक है। आप कहां से पढ़ो ग्रामीण परिवेश के लिए, परीक्षा प्लस का नोट्स जो है मोर देन सफिशियंट है, बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत अच्छा है, आप उससे पढ़ लो पूरा, उसके MCQ के प्रैक्टिस भी करवा दिए जाएंगे, और टेस्ट में आप उसे देख ही लोगे। तो ये रहा, बाकी अब हम आते हैं थोड़ा लास्ट में 5 मिनट में एक चीज चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये चीजें आपको करना है तो ऐसे कैसे करो, कितने घंटे पढ़ो। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आपका कि कितने घंटे पढ़ा जाए, है ना, यही होता है कितने घंटे पढ़ा जाए, ये आपका सबसे ज्यादा प्रश्न होता है। उसके बाद होता है क्या पढ़ा जाए, ये आपका सबसे बड़ा प्रश्न होता है, ठीक है। तो बाकी के प्रश्न का तो मैं उत्तर दे दिया हूं, क्या पढ़ा जाए वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कितने घंटे पढ़ा जाए तो इसके लिए भैया ये आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, कि हो सकता है कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ के उतना गेन कर ले, हो सकता है कोई 8 घंटा पढ़ के भी ना कर पाए। तो आप किसी से कंपेयर मत करो, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, आप मैक्सिमम पढ़ो जो आपकी हिम्मत कर रही है, जो आपका शरीर जवाब दे रहा है, जो आपका मानसिक स्थिति इसमें डोलना हो डामा डोलना हो उतना पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छा खाओ, कोई प्रेशर मत लो,
40 दिन कम नहीं होते और पहले से आप तैयारी करते भी आ रहे हो, ये बात आप समझते हुए चलना। मैंने इसे कितने भागों में तोड़ा है, अप्रैल तक आपका सारा सिलेबस लगभग किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे होगे तो कंप्लीट हो गया होगा, कहीं बचा भी होगा तो थोड़े बहुत विषय ही बचे होंगे, थोड़ा बहुत पार्ट ही बचा होगा, ज्यादा नहीं बचा होगा और वो भी क्योंकि लेखपाल की तरफ से लेट था इस कारण हुआ होगा, तो मैं किसी संस्था का इसमें दोष नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी हम इसे तीन पार्ट में तोड़ेंगे, एक 6 से 20 मई में तोड़ेंगे, एक 21 से 5 जून में, 5 से 18 जून में, मतलब 15-15 दिन के तीन टुकड़े में तोड़ेंगे। और कैसे पढ़ना है आपको अब समझना, पूरे इस 45 दिन में करंट तो आपको साथ में पढ़ते चलना है, मतलब 5-6 नंबर आपको यहाँ पे कवर करते चलना है, और जो दूसरा वाला पड़ाव होगा मतलब 21 जून से 5 जून के बीच में, इसमें आपको डेली सेक्शनल टेस्ट देना है। आप परीक्षा प्लस का जाओगे तो अभी परीक्षा प्लस में बहुत ही सस्ता 199 रुपए में आपको 40 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 30 सेक्शनल टेस्ट है और आपका 10 फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत ही क्वालिटेटिव टेस्ट है, आपका पूरा प्रश्नगत रणनीति, पूरा पेपर वाइज रणनीति सब कुछ वहां पे डिपेक्ट किया गया है। तो 199 रुपए में 40 पेपर बहुत ज्यादा होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, आपको वही मैं जो सेक्शनल की बात किया हूँ यही 30 सेक्शनल की बात किया हूँ, अच्छे से आपको इधर करना है, और उसके बाद जो आपका लास्ट के 15 बचे उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से देना है, मतलब इधर आपका 15-15-30 दिन में आपको ये 40 प्लस टेस्ट अच्छे से कवर करना है, ये बात आप समझते हुए चलो। बाकी जो आपका ये 6 से 20 प्रथम 15, 6 तारीख से लेके 20 मई तक प्रथम 15 दिन है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको पढ़ना चारों विषय है, लेकिन कैसे पढ़ना है, मैथ्स में स्टेटिस्टिक, एलजेब्रा और नंबर सिस्टम, क्योंकि इन्हीं तीन टॉपिक से ही 12 से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और इतना जबरदस्त पढ़ो कि फिर इससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे ही हिंदी आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है, ग्रामीण परिवेश में क्या पढ़ना है, योजनाएं एवं प्रबंधन पढ़ो, स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ो, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास की संबंधित योजनाएं और यूपी की योजनाएं, इतना आप योजनाओं पे फोकस रहो प्रथम 15 दिन में, क्योंकि यहीं से 13 से 15 क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद जीएस में आप देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर जाओ, पॉलिटी कंप्लीट कर जाओ, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर जाओ और साइंस की बायो पार्ट कंप्लीट कर जाओ, और इतना कर लोगे तो आपके 10 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, मतलब 13, 12, 25, 25, 50, 50, 10, 60 क्वेश्चन तो आपका इतने में ही 15 दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे पार्ट में आओ तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ो 21 से 5 जून में, साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड और एनवायरमेंट थोड़ा पढ़ लो, ग्राम्य समाज में क्या पढ़ना है, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नई टॉपिक है जो पॉलिटी से भी आपकी कवर हो जाएगी। इस जीएस में आपको एंशियंट और मेडिवल कंप्लीट पढ़ जाना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट पढ़ जाना है, यूपी स्पेशल कंप्लीट पढ़ जाना है, और अगर इतना कर लोगे तो बाकी बचे हुए आपके यहां से कवर हो जाएंगे। उसके बाद अंतिम 15 दिन में आपको पढ़ना कुछ नहीं है, ताबड़तोड़ रिवीजन करना है, यह भी आपका रिवीजन ही है, लेकिन यहां पे केवल आपको रटना है, केवल मगना है आपको, जितना ज्यादा फैक्ट आप रट लोगे उतना ही जबरदस्त हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट का पार्ट होगा 30 दिन, यह आपका रिवीजन और रटने का लर्निंग का प्रोसेस होगा, और यहां पे आप रिवीजन तो करते ही करते रहो, साथ में ही आप अपना टेस्ट भी देते रहो, और उसके बाद आप फैक्ट रटते रहो, और करंट तो बहुत अच्छे से इन 15 दिन में आप कवर करो, और अगर ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानो आपको 85 क्वेश्चन करने में कोई रोक नहीं पाएगा, बहुत जबरदस्त टाइम टेबल है। हालांकि आपका टाइम टेबल खुद का भी हो सकता है, आपकी रणनीति खुद की भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं आप मुझे ही फॉलो करो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं मैं जानता हूं कि मेरी बताई रणनीति हमेशा फॉलो करते हैं और उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, जब वो मैसेज करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद है कि ये जो 45 दिन की स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा कामगार साबित होगी। करना आपको क्या है कि बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, टेस्ट जरूर दो, टेस्ट आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके वहां से परचेज कर सकते हो, 199 कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक महीने का रिचार्ज भर का है, ठीक है ना, बहुत सस्ता परीक्षा प्लस ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम प्राइस में, कि आपके जेब पे कोई लोड ना पड़े, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी देती है, आप सभी को पता है जो लोग जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ के देखेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं समझता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे इस बार लेखपाल में नहीं हुए हैं, इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या करना है, उन्हें अगले पीटी 2022 में आज से ही जुट जाना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगले बार लेखपाल फिर से आ रहा है 4000 पद के लिए, पीटी दोबारा आ रही है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, समय ही नहीं है निराश होने के लिए, आपके अभी से जुट जाइए। एक बात समझिएगा कि आप लोग जो इस बार लेखपाल दे रहे हो और शॉर्टलिस्टेड हुए हो, यकीनन आप बहुत भाग्यशाली हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके पास 8000 बच्चे हैं, है ना, 8000 आपके पास क्या है, 8085 वैकेंसी है और 240000 लगभग बच्चे हैं। एक बात समझिएगा कि इसमें बहुत बार बहुत सारे बच्चे इस बार पीटी को फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, इस कारण से रह गए, बहुत सारे बच्चे पीटी को सीरियस नहीं लेते, इस बार इस कारण रह गए, लेकिन जो पीईटी 2022 होने वाला है
लिटरली बहुत खतरनाक होने वाला है, 30 लाख प्लस फॉर्म पढ़ने वाले हैं, मैं आज ही आपको बताता हूं, ये बात आप देख लीजिएगा। और इस बार जब अब 4000 के लिए जो कट ऑफ बनेगा वो आपका 90% 92% से एक भी स्कोर कम नहीं जाएगा, अगर इसी प्रोसेस पे चला तो ध्यान दे लीजिएगा। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ के पूरी ऊर्जा झोंक दीजिए और पूरी तैयारी में लग जाइए। जिन्हें पीटी के पैसे जुड़ना है, जिन्हें लेखपाल के पैसे जुड़ना है, वो परीक्षा प्लस के परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं कोर्स सेक्शन में जाके। बाकी किसी भी समस्या के लिए नीचे नंबर आप चल रहे हैं उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको अपने आपको समझाते हुए बहुत प्रैक्टिकल तरीके से क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत सारी चीजें। बाकी जो चैप्टर वाइज रणनीति है, जो सब्जेक्ट वाइज रणनीति है, वो मैं अलग से लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप पसंद करोगे, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए विषय वाली रणनीति लेके आऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।